अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। आज बात करेंगे कराची की सूरत हाल के ऊपर, और इस सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज कराची का दौरा किया, मुख्तसर दौरा इमरान खान साहब का, जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों पर नज़र रखी, और इसके बाद एक मीटिंग कॉल की गई नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से भी, और इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से भी कराची में इजलास आई थिंक अभी भी जारी है, जिसमें मज़ीद कुछ बातें सामने आ सकती हैं। और इस पर आज जिस तरह से सिंध हुकूमत का इसके अंदर किरदार नहीं रखा गया, और क्यों नहीं रखा गया, वफाक ने क्या सिंध हुकूमत को किसी खातर में ना लाने की ठान ली है, और बग़ैर सिंध हुकूमत के उसको किसी चीज़ पे इनवाइट किए हुए गवर्नर सिंध से रबता करके तमाम चीज़ें कॉल कर दी जाती हैं, और फिर उसके बाद जो बातें सामने आती हैं उसमें सिंध हुकूमत उससे एग्री नहीं करती, वजूहत क्या हैं, क्या वाकई ही PTI सोलो फ्लाइट लेके अकेले ही पूरे पाकिस्तान को हैंडल करना चाह रही है और अपोजिशन को किसी काम में साथ नहीं मिलाना, और फिर PTI की जानब से, मौजूदा हुकूमत की जानब से ऐसे बड़े बड़े दावे कि हम अपोजिशन को साथ लेके चलने के लिए मौजूद हैं, बैठे हैं, एक ही पेज पे बैठने को तैयार हैं, एक तरफ ऐसे जुमले, और दूसरी तरफ जब कराची का दौरा होता है तो वजीर आला सिंध और सिंध हुकूमत को किसी भी तरह का कोई इनविटेशन नहीं दिया जाता, एयरपोर्ट से रिसीव करना हो, मीटिंग के अंदर कॉल करना हो, किसी भी तरह से इस पर सिंध हुकूमत से कोई राय या मुशावरत तलब भी नहीं की जाती है। इस पर मजीद बात करेंगे कि सूरत हाल कैसी रही, वजीर आजम इमरान खान साहब का दौरा कैसा रहा, और जो सिंध हुकूमत है क्या अब वो खान साहब के इस दौरे के हवाले से, इस दौरे के अंदर जो भी बातें की गई हैं उससे मुतमईन होंगे, खान साहब का दौरा कैसा रहा, इस पर बात करेंगे। हमारे टेलीफोन पे मौजूद हैं गुलाम जलानी साहब, हैं MPA हैं पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। गुलाम साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, क्या कहेंगे आज खान साहब का मुख्तसर दौरा कराची का, काफ़ी वक्त के बाद हमने देखा, जो कि काफ़ी अरसे से प्लान चलता आ रहा था, शेड्यूल चेंज किया जा रहा था बार बार, आज जो दौरा हुआ उसमें हमने फिर वही रिवायत देखी जो पहले भी PTI की जानिब से की जा चुकी है, मुराद अली शाह साहब को और सिंध हुकूमत को किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना करना, क्या वाकई खान साहब का दौरा इतना मुख्तसर था कि सिंध हुकूमत को भी दावत देना उन्होंने अच्छा नहीं समझा? बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि जो सिंध गवर्नमेंट में और फेडरल में जो इस वक्त तजाद चल रहा है इसको मद्देनजर रखते हैं, मैं नहीं समझता कि सिंध में मुझे कोई तरक्की की राह हमवार होती हुई नजर आ रही है, और काफी जो है वो वादे जो है खान साहब ने किए थे अब उन पे मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्लीमेंट होने का वक्त आ रहा है। आज बहुत ही मुख्तसर दौरा था, लेकिन उसमें उन्होंने जो जो तफसीलात बताई और उसमें जिस तरीके से मेट्रो का जिक्र किया गया, ग्रीन लाइन का जिक्र किया गया और ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र किया गया, तो देखते हैं कि 3 साल से भी जो है यही बातें हम सुनते हुए आ रहे हैं, और उम्मीद है कि आज जब PM साहब यहाँ आए हैं और उन्होंने जो है इस पर अमली तौर पर जो है इकदाम करने की यकीन दहानी आज कराई है, और मुख्तसर दौरा था उसका, और मैं नहीं समझता कि हो सकता है कि इतना टाइम उनके पास ना हो कि वो सिंध गवर्नमेंट को जो है वो इन्वाइट करते, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने वैसे ही यहाँ पे शहर कराची में और सिंध के अंदर जो है शहद और दूध की जो नहरें बहा रखी हैं। तो चले हम मान लेते हैं एक तरफ अपोजिशन है सिंध हुकूमत, तो शायद इसलिए किसी ना किसी पॉलिटिकल इशू की वजह से उनको अगर साइडलाइन भी कर दें, क्या MQM को कोई दावत थी, MQM पाकिस्तान के किसी रहनुमा को ऐसी दावत थी कि आप आए बैठें और जो शहर के मसाइल हैं उस पर बात करें, बल्दियाती इंतखाबात पे बात करें और मर्दमशुमारी के हवाले से बात करें, किसी चीज़ पे इन्वाइट किया गया इस इशू के ऊपर? मैं इस वक्त जो है वो कराची से बाहर हूँ और मुझे भी लाइन पे लिया गया है, तो मेरे नॉलेज में भी ये चीजें नहीं है। अच्छा, और इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा अभी, क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है कि वफद को लिया गया है, बुलाया गया था, नहीं बुलाया गया था, लेकिन उम्मीद है कि बिल्कुल बुलाया गया होगा। अच्छा, उम्मीद है, मतलब इस बात पे शक है कि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ इसलिए मुझे कन्फर्म नहीं है, मैं नजीब तकरीब में आया हुआ हूँ। चले कोई बात नहीं, हम शिकवे की बात अलग कर देते हैं इसको, चले हटा दें, अगर आप इस वक्त कराची में नहीं हैं, हम इसके बाद आपसे बहुत जल्दी फिर दोबारा रब्ता करेंगे जब आप कराची आएंगे। इस वक्त जो मौजूदा सूरतेहाल विफाकी है और MQM पाकिस्तान इत्तेहाद में है उसके साथ, तो क्या हम समझ सकते हैं कि MQM अभी तक किसी चीज़ के ऊपर इतनी ज़ोर से आवाज़ नहीं उठा पा रही है, तो क्या विफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से, PTI की और खान साहब की कारकर्दगी से मुतमईन है MQM पाकिस्तान? देखें, इससे पहले भी खालिद भाई ने भी, आमिर भाई ने भी जो है वो तमाम चीज़ें खुल के बताई हैं कि हम जो है हर उस जमात के साथ हैं जो शहर कराची से हवाले से इंटरेस्ट रखती है, और जिस तरीके से अभी PM साहब ने जो है वो K4 के हवाले से, पानी के हवाले से यकीन दहानी कराई है कि आने वाले चंद दिनों में जो है कराची में वो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, और जिस तरीके से ग्रीन लाइन को वो अक्टूबर में ऑन करने जा रहे हैं, तो एक अच्छा साइन है, और
उम्मीदें सबसे हमें हैं शेयर अच्छा क्लासेस जलानी की साहब, जो कि मेरा मेरा सवाल किसी हद तक ये था कि एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत के साथ इत्तेहाद में बैठने के बाद क्या खान साहब की कारकर्दगी से या पीटीआई की कारकर्दगी से मुतमईन है, या उनकी जानिब से जो यकीन दहानियां कराई गई हैं कराची से मुतालिक उससे मुतमईन है? मैंने बताया ना कि इसमें जो है जो यकीन दहानियां कराई गई थी उसमें से जिस तरह अक्टूबर में इन्होंने डेडलाइन दे दी है कि हम ग्रीन लाइन को जो है वो कराची में ऑन कर देंगे, फाइनल सही। की अच्छा, तरफ जा कराची रहा की है। सूरत हाल आपको देख के लग रहा है ग्रीन लाइन जो है वो अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगी कराची के अंदर? देखें इस पे मैं क्या आपसे बात करूँ, मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए, जो इसमें सूरत हाल है मेरा ख्याल 10-15% काम उसका बाकी है जो लेकिन रनर है जलानी उसके। साहब ये तो तकरीबन 3 साल पहले हो जानी चाहिए थी स्टार्ट जो इस वक्त सूरत हाल है, और अभी भी तकरीबन काफी ज्यादा रूट ऐसा है। 3 साल पहले तो जिन्होंने करना था उन्होंने तो इसका बड़ा गलत किया, क्योंकि वो भी आपकी इत्यादि थे। नहीं मैंने कहा ना कि एमकेएम हर उससे इत्तेहाद करती है मेरे भाई, जो कराची के लिए आवाज उठाने की बात करता है, लेकिन जब टाइम आता है कोई देने का शेरे कराची को तो हर आदमी जो है वो शेरे कराची से मुंह मोड़ता है, उसको ऑन नहीं करता। यही अलमिया है शेर के साथ, इसीलिए एमकेएम जो है वो अब रोड पर आई हुई है और सारी सही। चीजें कर रही है, और इंशाल्लाह जो है वो जल्द इसका हल भी होता चले, हुआ एक नजर तरफ आएगा। आपने ये जिक्र किया कि अगर 3 साल पहले जिस हुकूमत को करना था उसने नहीं करा और यकीनी तौर पर उसने आपको मायूस करा, एमकेएम पाकिस्तान को मायूस करा, तो क्या इस हुकूमत ने बिल्कुल मायूस नहीं करा आपको? किसी चीज़ पे बात नहीं हुई? और जिस तरह से एमकेएम पाकिस्तान अभी भी इस पे जोर देती है कि मर्दम शुमारी कराई जाए फौरी तौर पर, विफाक हमारे मुतालबात को पूरा नहीं करता है, फलां हम सीट छोड़ने को तैयार हो जाएंगे, क्या मुतमईन है एमकेएम पाकिस्तान पीटीआई से इत्तेहाद करने के बाद? देखिए, जहां तक सेंसस की बात है उसके लिए वफाकी गवर्नमेंट ने अलग जो है बजट भी इस वाले बजट में जो अभी 2020 और 2021 का जो सही सही। था इसमें जो है वो मुख्तस की है रकम उसमें, तो उम्मीद है कि उस पर जो है जल्दी जो है सेंसस के हवाले से भी इकदाम होंगे। K4 के हवाले से आज बड़ी बहुत ज्यादा यकीन दहानी कराई गई कि कराची में जो पानी की शॉर्टेज है इसको जो है 2 से 3 महीने में हल करेंगे, ग्रीन लाइन का मंसूबा है। तो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि चले कोई तो है जो थोड़ा बहुत कर रहा है, और अगर यही MNS को थोड़ा सा फंड नहीं मिलता तो आज ये कराची फिर जो है वो बंजर हुआ हुआ नजर आता। ये भी फेडरल गवर्नमेंट की एक अच्छी कोशिश है कि उन्होंने तो MNS को फंड अब दिया। क्या समझ सकते हैं, क्या पीटीआई जाते जाते कराची के लिए कुछ बेहतर करके जाएगी, या एमकेएम पाकिस्तान कुछ बेहतर करवा सकेगी इस पीटीआई से? हमारी तो पूरी कोशिश है कि शहर कराची के लिए हम थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा करवाने की कोशिश करें, और देखते हैं कि इंशाल्लाह उसमें हम किस हद तक कामयाब होते हैं, नहीं होंगे तो फिर जो जिस तरह खाली भाई ने बताया है वो सही। हेल्प किया अच्छा, एक तरफ जलानी साहब हमने पहले देखा कि खान साहब ने 126 अरब रुपए का ऐलान किया कराची के लिए कराची पैकेज पे भी, और फिर एक काफ़ी बड़ा बजट जो कि काफ़ी बड़ा पैकेज 1100 अरब का वो खान साहब ने जब पिछला कराची का दौरा किया उस वक्त भी दिया, और आज जो सूरत आलम ने देखी उसमें उन्होंने काफ़ी यकीन दहानियाँ कराई हैं, बहुत जल्दी हम तरक्की गिराह पर दोबारा चल पड़ेंगे, अपने पैरों पर मईशत को खड़ा कर सकेंगे। 1100 अरब के पैकेज की क्या अभी तक कोई पेशरफ हो सकी है, कोई इंप्लीमेंट हो सका, कितना पैसा उसमें से रिलीज कर दिया गया, कुछ इस हवाले से नॉलेज है आपको? नहीं, इस हवाले से मेरी नॉलेज के मुताबिक तो अभी तक कोई इसमें जो है वो बेहतरी नहीं नजर आ रही, लेकिन जो बाकी चीजें हैं उसमें मुझे अपनी बेहतरी के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। कौन सी बाकी चीजें ऐसी हैं जिसमें बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है आपको? देखिए कराची के शहरियों का जो मेन मसला है ना वो पानी का है, पानी का है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने हमें बताया कि जिस तरीके से आज भी कहा सही। कि उन्होंने कि हम इसको जो है 2 से 3 महीने में हतमी तौर पर जो है वो लेकिन इसको अभी हल तक कर लें। तो इतलात ऐसी हैं कि वो दोबारा स्टार्ट भी नहीं हो पाया अभी तक K4 का दोबारा मंसूबा। K4 का मंसूबा तो आप देखने के देखता 8 से 11 साल हो गए बिल्कुल। और उसके मैं कह रहा हूँ 12 दफा तो उसके रूट चेंज हुए, और मुझे नहीं लगता कि अगर और कोई इस पे आपके वो हाईवे पर जो है अगर कोई और बड़ी स्कीम अगर आ जाती है तो फिर उसका रूट जो है चेंज ना कर दिया जाए, क्योंकि पहले उनकी जो प्रायोरिटी है सिंध गवर्नमेंट की और उसके साथ जो लोग शामिल हैं कि पहले तो DAK जलानी साहब, नाइन अभी अभी जो है कोई श्योरिटी है ऐसी कि दोबारा से कोई इसमें रूट चेंज नहीं किया जाएगा, पीटीआई अपनी हुकूमत में इसको कंप्लीट करवा के छोड़ेगी? मैंने कहा ना यही हमारी दुआ है कि कोई नई स्कीम जो है वो सुपर हाईवे पे लॉन्च ना हो जाए, बैरियर डाउन जैसी या DAK 9 जैसी, जो उसकी वजह से लेकिन फिर दोबारा इस जलानी रूट साहब, की फिर पहुंचती है। क्या हम ये समझें कि एमक्यूएम पाकिस्तान या पीटीआई या दुआओं पे चल रही है, प्लानिंग खत्म कर दी है? तो दुआओं का भी बड़ा अमल दखल होता है, और उम्मीद है कि दुआएं कराची वालों की जो है वो रायगा नहीं जाती, और जो कराची का जिस तरह करता है कराची वाले उसके साथ वैसा ही सलूक करते हैं, तो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो, वो जो भी कर रहे हैं उनको तो समझ के जो है सारे इकदाम करने चाहिए कि कराची हमेशा जो है वो काम वालों को अब्लाइज करता है, और इंशाल्लाह जो है आगे भी ऐसा ही होगा। अच्छा, सिंध हुकूमत के ऊपर हम थोड़ी सी अगर बात कर लें, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी
12-13 साल में जो रही वो यकीन तौर पे आवाम के सामने है, और अब जिस तरह से एक्टिव है सिंध हुकूमत, यकीन तौर पे कुछ बेहतर कर सके तो हम समझ सकते हैं कि पीटीआई सिंध के अंदर अपना होल्ड नहीं दिखा सकेगी, और एमक्यूएम जो कि इस हुकूमत की इत्तेहादी होने के बावजूद भी पीटीआई को इस कराची के अंदर इतनी अच्छी तरीके से मुनज़म नहीं कर सकी जो करना चाहिए था, तो हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं एमक्यूएम का भी इसमें फेल नज़र आ रहा है, जो पीटीआई की नाकामी है कराची के अंदर। एमकेएम तो उनके साथ छड़ी भी है, जो एमकेएम का काम है वो एमकेएम कर रही है। और जहां तक आपने पीपल्स पार्टी की बात की तो आप देखें कि उनके एक वजीर ने शहर कराची के लिए 10,000 बसों का वादा किया था जब हम असेंबली में थे, उससे पहले का वादा था, और आज उनको जो है वहां से हटा के वजीर तालीम बना दिया गया। तो अब वो जो पहले हाल उन्होंने ट्रांसपोर्ट के साथ किया, उम्मीद है कि यही हाल जो है उन्होंने इस शहर कराची और सुबह सिंध की तालीम का भी करना है, कि काम कुछ नहीं करना, सबको जो है वो आला डिग्रियां दिलवा के और सीएसएस के इम्तिहान पास करवा के और इसी तरीके से कराची को तरक्की की राह पे उन्होंने डालना है। अच्छा, तरक्की की राह पे इसी तरह डालना है। मैं कराची की तरक्की के ऊपर ही बात करूँ, जिस तरह से वफाक में एमक्यूएम पाकिस्तान पीटीआई के साथ इत्तेहाद करने के बावजूद अपने मुतालबात नहीं मनवा सकी, तो क्या हम मुस्तकबिल में देख सकते हैं इस चीज़ को कि एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार हो जाए कराची की सूरत हाल के लिए, कराची की बेहतरी के लिए, ये शहरी सिंध के लिए? देखिए मेरे भाई, मैंने आपको बताया ना कि एमक्यूएम हर उस शख्स के साथ उस पार्टी के साथ जो है वो स्टैंड लेने को तैयार होती है जो शहर कराची की बात करता है। और जहां तक पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता 13 सालों में सिवाय जो है वो बातों के लफाजी के जो है शहर कराची को कुछ नहीं दिया, और अब किस तरीके से उन पर जो है शहर कराची के लोग एतमाद करेंगे, और हम शहर कराची की आवाज है, जो शहर कराची के लोग कहेंगे वो एमक्यूएम करने के लिए यहाँ तैयार है, वो मौजूद है। अच्छा, अगर पीटीआई काम नहीं कर सकी या सिंध हुकूमत ने अच्छा काम कर दिया तो एमक्यूएम पाकिस्तान का कोलैबोरेशन फिर सिंध हुकूमत के साथ हम देख सकते हैं मुस्तकबिल में? तो 3 साल में जो काम मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने शहर कराची के लिए किया है, तो मुझे नहीं लगता कि कराची के लोग जो है वो उनके साथ खड़े होंगे या उनको जो है वो अप्रिसिएशन करेंगे। और कराची के शहरी तो यकीन तौर पर सिंध हुकूमत के साथ ही खड़े हैं, जो अब तक 13 साल हो गए सिंध हुकूमत को सिंध में हुकूमत करते हुए, कराची को भी टेक ओवर करते हुए, तो लगता तो है कि सिंध हुकूमत कुछ काम कर रही है जब आवाम उनको यहाँ से दोबारा इलेक्ट करती है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, अगर इस शहर की आबादी को सही गिन लिया जाता और यहाँ पे MP MNS की सीटें जो है प्रोविजनल और फेडरल की सीटें बढ़ जाती तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अभी कोरोना की जो वैक्सीन लग रही है इससे अंदाजा हो जाएगा इस शहर कराची में वैक्सीन लगाने में कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई इसकी ना, जो लोग इस शहर की आबादी को 1.65 करोड़ गिनते हैं, और जब वो वैक्सीनेशन जितनी यहाँ पर हो रही है जब उसको काउंट किया जाएगा तो मेरे ख्याल में 4 करोड़ से ऊपर ही आबादी जाएगी शहर कराची। अच्छा, आपको लगता है कि ये सिंध हुकूमत गिनती है, विफाक नहीं गिनती है? ये काम तो विफाक का है ना, विफाक गिनती है इसको सही तरह से? तो नहीं, टोटल डिपेंड तो सिंध गवर्नमेंट कर रही होती है ना, उस पर जो यहाँ से जाती है चीजें सारी की जा रही है। अब यही हमने उस पर कहा है उसको फाइनल तो विफाक करती है ना, सॉरी उसको फाइनल तो विफाक करती है ना, फाइनल करती है, लेकिन जो चीजें यहाँ से जा रही होती है उसमें 100% तो सारी चीजों का वफाक नहीं देख रहा होता ना। तो अब ये उम्मीद है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है तो इससे मुझे लगता है कि हम इतने कराची को गिनने में जो है ये वैक्सीनेशन ही अपना अहम किरदार अदा करेगी, और जितनी तनदेही से इस पर काम हो रहा है तो इंशाल्लाह कराची की आबादी जब बढ़ेगी इस हवाले से तो उस हवाले से इसको फंड भी और सारी चीजें उसे देकर दी जाएंगी, उसके हिसाब से इसकी सीटें भी बढ़ेंगी और फिर कराची के लोग जो है वो कराची को जो है यहाँ पे काम भी कर सकेंगे। अच्छा, आखिर में मैं जानना चाहूँगा सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से एमक्यूएम पाकिस्तान कितनी मुतमईन है सिंध के अंदर, कराची के अंदर? क्या आने वाले वक्त में अगर सिंध हुकूमत गवर्नमेंट बनाती है 2023 में तो एमक्यूएम पाकिस्तान किस तरफ नजर आएगी, पीटीआई के साथ अपोजिशन में खड़ी हो जाएगी या सिंध हुकूमत के साथ कोलैबोरेशन होगा? देखिए, सिंध गवर्नमेंट से सिंध के लोग तो मुतमईन होंगे और सिंध में भी वही लोग मुतमईन होंगे जिनको यहाँ के 30,000 लोगों की नौकरियां जो है यहाँ पे जाली डोमिसाइल की बुनियाद पे जो है। लेकिन अब तो पीपल्स पार्टी के लिए सिर्फ सिंध की बात ही नहीं रही, वो तो पंजाब में भी सरप्राइज देने जा रहे हैं, तो क्या मुस्तकबिल हम देख सकते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान का? पंजाब में आपको पता है कि क्या पोजीशन है पीपल्स पार्टी की, अब जब सरप्राइज देंगे तो उसके बाद देखा जाएगा कि वो क्या सरप्राइज है, कि वो माइनस में जाता है या प्लस में जाता है। चले, वो तो सरप्राइज के बाद ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया गुराम जलान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एमक्यूएम पाकिस्तान जो कि इस वक्त विफाक के साथ इत्तेहाद में बैठी हुई है, क्या उसका बैठना विफाक के साथ
कोई कारगर साबित हुआ या किसी तरह का कोई फायदा हुआ कराची के अवाम को या शहरी सिंध को या पूरे सिंध को, जिस तरह से एमक्यूएम पाकिस्तान बड़े ज़ौक शौक के साथ पीटीआई के साथ जुड़ी और हुकूमत बनाने को उनको मदद फरमाई, लेकिन इसके साथ साथ सिंध हुकूमत जो कि अब काफ़ी एक्टिव हुई है और अब काफ़ी जगह वो सरप्राइज़ देने जा रही है, पंजाब का भी उन्होंने ढिंडोरा पीट दिया कि हम पंजाब में सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, हुकूमत को परेशानी हुई, क्या वाकई यही सूरत हाल है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दौरा और उस दौरे के अंदर बड़ा मुख्तसर दौरा था, मगर उस दौरे के अंदर क्या सिंध हुकूमत को इस तरह इनवाइट ना करना किसी तासुब की निशानी है और सिंध हुकूमत इस पर क्या रद्दमल लगती है और किस तरह से सिंध हुकूमत ने इस दौरे को देखा, क्योंकि इस दौरे में सिंध हुकूमत को वज़ीर आला सिंध को दावत नहीं दी गई, किसी तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया गया सिंध हुकूमत को, ऐसी इतला सामने आई हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे टेलीफोन पे मौजूद हैं शमीम आरा साहबा हैं, एमएनए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। शमीम साहबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दौरा बड़ा मुख्तसर दौरा कराची का और आए उन्होंने तकरीब में शिरकत करी और कुछ चीज़ों पर गुफ्तगुशनीद करी, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर बात करी, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे बात करी, एनसीओसी के एक्शन के ऊपर बात करी जो सिंध के साथ मिलके हो रहा है। किस तरह से देखा कि सिंध हुकूमत को इनवाइट नहीं किया गया, एक बार फिर इससे पहले भी ये सूरत हाल थी, क्या वाकई सिंध हुकूमत मुतमइन रहेगी कि अगर इन्वाइट नहीं किया गया लेकिन कराची के लिए कुछ बेहतर होगा? बहुत शुक्रिया मुतहर जली साहब, बात यह है कि जो मुल्क का वजीर आजम होता है वो पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि तमाम सूबाई वज़रा को अपने साथ लेकर चलें और उनसे उनसे मुशावरत भी करें। बड़े अफसोस की बात है, ये सिर्फ सिंध पर वज़रा या वजीर आला को न बुलाकर इन्होंने 22 करोड़ अवाम को यह मैसेज दे दिया है के मुंतखब जो यहाँ सिलेक्टेड जो वजीर आजम है उन्होंने एक सिंध का दौरा करके और वजीर आला को जो चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध है उनके उनको नज़रअंदाज करके न इनवाइट करके उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि इनकी सिंध के साथ सिंध के पीपल्स पार्टी के साथ कोई भी यानी कि हमदर्दी नहीं है। उनके वज़रा जो एक तो मुंतखब वजीर आला हैं, आवाम के नुमाइंदे हैं और अच्छा होता कि वो वजीर आला को बुलाते, उनसे मुशावरत करते, क्योंकि वो ज्यादा मसाइल को जानते हैं, उनको पता है, वो सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और इस तरह ये क्या मैसेज दिया इन्होंने। लेकिन शमीम साहब, एक तरफ मुराद अली शाह साहब कराची के इतने अच्छे मसाइल जानते हैं, इतने बड़े बड़े मसाइल जानते हैं पर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल मसाइल हल होते हैं, ये एक इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम में कोई सदाकत नहीं है, ये बिल्कुल यही लोग जो है इल्ज़ाम लगाते हैं। आपने आज देखा कि एक बार प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम पाकिस्तान जो आए और सिंध में वजीर आला को किस तरह नज़रअंदाज किया, इससे ये जाहिर होता है कि सिंध से एक फार्मूला की उन्होंने आकर पूरी की है। तो बस ये एक मैसेज दिया कि उन्होंने सिंध का दौरा किया, अच्छा होता कि वहाँ के तमाम एमएनएस को, तमाम एमपीएस को और वजीर आला सिंध को बिठाते, उनसे मुशावरत करते, वो उनको उनसे ब्रीफिंग लेते, तो मैं समझती हूँ कि कराची के मसाइल बेहतर तरीके से हल होते। अच्छा, एक तरफ अगर कराची की बेहतरी के लिए खान साहब को हुक्म दे रहे हैं, उन्होंने मनसूबों को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म दिया है, तो यकीन तौर पर कराची की कुछ बेहतरी के लिए ही होगा, तो इसमें सिंध हुकूमत को फिर नाराजगी का इजहार तो नहीं करना चाहिए? हम कोई नाराज नहीं है, ना सिंध गवर्नमेंट नाराज है, मगर मैसेज ये चला गया है कि ये एक सिर्फ ऐलानात हैं, कोई ये मैंने समझती हूँ कि ये सिंध के मसाइल में सीरियसनेस रखते हैं, यहाँ कोई वो मसाइल हल करेंगे, मैंने समझती हूँ। आप अगर अच्छा होता, बेहतर होता कि वजीर आला सिंध जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो सिंध के मसाइल को बेहतर नमूने बेहतर तरीके से, तो सिंध के मसाइल हल कौन करेगा? शमीम साहबा, एक तरफ अगर विफाक आ रही है तो वो आप जो वफाक है, जो वफाक के अंडर में है, जो वफाक के इदारे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो देखो सिंध में कितने बड़े इशू है लोड शेडिंग के, आप देखें कि सिंध स्विगेस का कितना बड़ा इशू है, जो स्विगेस लोगों को नहीं मिल रही है, आप देखें कि हमारे सन्नतें बंद हो रही थी, आप प्रेशर कम मिल रहा था, लोड शेडिंग की वजह से मैसेज हमारी तबाह हो रही है, बिलिंग में इजाफा हो रहा है कराची के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक शमी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, लोड शेडिंग का मसला है, लेकिन सिर्फ एक मसला तो नहीं है ना, सिर्फ कराची के अंदर पानी का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, कोई एक तो नहीं है ना, बेशुमार मसाइल हैं। देखो अब तक क्या कोई हल किया गया? अब तक 3 साल 4 साल से एमकेएम के पास उनकी जिम्मेदारी थी,
एमसी उनके पास था, बीएमसी उनके पास था, तो आप देखें कि अभी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, आप देखिएगा कि इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट पे भी आऊंगा। मैं एमकेएम की आपने बात करी, लेकिन एमकेएम के जो मेयर थे वसीम अख्तर साहब, उन्होंने कहा कि हमें इख्तियार नहीं दिए जा रहे हैं, सिंध हुकूमत कोई इख्तियार नहीं दे रही है, काम करने नहीं दे रही है। फिर बस देखिए, ये भले इल्जाम लगा, आपने देखा कि गवर्नर साहब से वजीर आला ने चंद दिन पहले मुलाकात की, उनसे मुशावरत उन्होंने दी। आप वजीर आजम की एक और बात में जरूर इसे आपके चैनल के थ्रू मैं बताऊंगी कि जब असेंबली मेंबरान, जो भी असेंबली मेंबरान है, उनको ये जिम्मेदारी बनती है कि वजीर आजम पाकिस्तान को अगर वो तरक्याती काम डेवलपमेंट फंड दे रहे थे तो अपने चंद एमएनए जो इनसे ताल्लुक रख रहे थे पार्टी से, सिर्फ उनको उन्होंने। अच्छा, एक तरफ क्या वजीर आला सिंह साहब ऐसा नहीं कर सकते, देखिए कराची का मामला है, कराची के दौरे पे खान साहब पहुंच रहे हैं और वजीर आला पूरे सिंध के वजीर आला है, तो वो खुद से भी तो जा सकते थे कराची के मामला या इश्यूज लेके वजीर आजम से गुफ्तगू करने के लिए? नहीं, वो कैसे, क्योंकि आप बताएं कि एक ऑफिशियल है, एक प्राइम मिनिस्टर है, जब आपने देखा कि अभी इनके खुद की आशिक एमान से दोस्त आशिक एमान जो इनकी वजीर आला थी और यह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, उनके साथ क्या किया आपने, क्या क्या वजीर आला पंजाब में उनके साथ किया, उनकी एंट्री नहीं की? इस तरह नहीं है, आखिर वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, वो उनकी रेस्पेक्ट थे, वो सिंध की नुमाइंदगी करते हैं, वो ऑफिशियल तौर पर वो उनका विजिट था तो उनका फर्ज बनता था तो उनको इन्वाइट करते ना। चले मैं कराची के इशू पे बात कर लूं, चले अगर इमरान खान साहब या पीटीआई नहीं करती कराची के इशू को सॉल्व नहीं करती, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 2 से 4 महीने के अंदर K4 हम चला देंगे, फिर ग्रीन लाइन बस मंसूबा हम शुरू कर देंगे अक्टूबर के अंदर, और बेशुमार मसाइल ऐसे उन्होंने जो कहा कि सिंध हुकूमत के अंदर आते हैं, विफाक के अंदर नहीं आते, तो क्या सिंध हुकूमत वो तमाम मंसूबे मुकम्मल करेगी? इन्होंने तो अब तक आपने देखा कि 8-3 साल हो गए पाकिस्तान आने की पीटीआई हुकूमत को, 3 साल हो गए अब तक जो वायदे किए हैं, जो बजट पेश किए हैं, अब उन्होंने किस तरह आवाम को रिलीफ मिला है, आपने देखा कि आवाम की चीखें निकल गई हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, खाने पीने के अशिया रोज महंगे हो रही है, पेट्रोल रोज महंगा हो रहा है, गैस की कीमतें बढ़ रही है, आप आवाम से कौन सी ऐसी तवक्कात रखे हैं? ये सिर्फ ऐलानात के सवा इनके पास आवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐलानात से याद आया कि 1100 अरब का पैकेज वजीर आजम खान साहब ने ऐलान किया था, क्या कुछ मिला उसमें से अब तक सिंध हुकूमत को? वो आपने क्या, जो हमारा बजट में हिस्सा बनता है जीडीपी, जबकि सबसे ज्यादा सिंध रेवेन्यू देती है वफा को, आपने देखा कि हमारी जो तरक्याती डेवलपमेंट जो फंड पर बनता है सिंध का हिस्सा है, वो उन्होंने उससे कटौती कर दी, वो सिंध का हिस्सा उन्होंने नहीं दिया। आप सोचें कि हम किस तरह तरक्याती काम कर सकेंगे, एमएनएस को नजरअंदाज किया गया क्योंकि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से कुछ पाकिस्तान, यानी सिंध हुकूमत कराची के अंदर या पूरे सिंध के अंदर काम यूं नहीं कर पा रही कि उसको फंड नहीं मिल रहे, उसके एमएनएस को फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो क्या सिंध हुकूमत एमएनएस के फंड्स के ऊपर रहकर ही काम कराएगी, अपना जिम्मेदाराना किरदार कोई अदा नहीं करेगी, पूरे सिंध में हुकूमत कर रही है सूबाई हुकूमत में? बिल्कुल, अगर कोई एमएनए, जो भी एमएनए आवाम से इलेक्ट होकर आता है असेंबली में, आवाम उनसे उम्मीद रखती है कि हमें बिजली चाहिए, हमें रोड चाहिए, हमें तरक्याती काम चाहिए, अब उनको अगर वो जो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं और असेंबली में आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि तमाम। अच्छा, इसी तरह से हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है, एमपीएस भी सिलेक्ट होकर आते हैं। दो मिनट, मेरी बात को कंप्लीट है, जब हम हमारी हुकूमत, मैं शमी साहब इसी पे बात कर रहा हूं, इसी पे बात कर रहा हूं कि एक तरफ हमारे सदर पाकिस्तान, सादिक सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी, जब हुकूमत में थे तो तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चले और मुफ्त वाली पॉलिसी अपनाई, तमाम सियासी जमातों के मेंबरान को फंड्स दिए गए थे क्योंकि हम तो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, आवाम की तरक्की चाहते हैं, मगर ये लोग सिर्फ एक सियासी रिश्वत दी गई थी अभी इलेक्शन से पहले, सेनेट की इलेक्शन थी ना, एक सियासी रिश्वत इनको दी गई। आप, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आपको इतने फंड वजीर आजम ने आपको दिए, आपने कहाँ लगाए, आप ही खुद ही असेंबली में आकर। अच्छा शमीम साहब, मैं इसी पे बात करूंगा, एक तरफ आप कहते हैं कि खान साहब ने एमएनएस को फंड नहीं दिए हैं इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं, इसी तरह से हुकूमत का भी काम है कि वो अपने एमपीएस को भी फंड दे जो इलाकों में खड़े हैं, जो काम कराने के लिए गलियों में मौजूद है, उनसे भी लोग सवाल करते हैं, चाहे वो दूसरी किसी जमात का भी एमपी हो, तो सिंध हुकूमत को भी तो अपना किरदार अदा करना चाहिए ना।
नहीं, हम उनसे ताउन करने के लिए तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इनको हमने लोगों ने हाथ में मिलाने चाहा, हमने उनको ऑफर भी दिया। अच्छा, कितना ताउन किया सिंध हुकूमत ने अब तक, कितना ताउन किया? शमीम साहब, सिंध हुकूमत ने अब तक एमपीएस के साथ कितना ताउन किया, इस हवाले से कोई है आपके पास नॉलेज है इस पे? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। जब जो रोड कराची के बन रहे हैं, जो कराची की तरक्की हो रही है, किसकी हो रही है? अवाम की हो रही है, कराची की अवाम की हो रही है। हम जब कोई तरक्याती फंड लगा रहे हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगा रहे हैं, वो ये नहीं सोचकर लगाइए कि ये इलाका एमपीएम का है, ये इलाका पीसीआई का है। हम लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज से जो बड़ा वावेला इस बात का ही हो रहा है कि एमएनएस के फंड से ही शहर में तरक्याती काम हुए हैं, एमपीएस के कोई फंड नहीं है, उनको कोई फंड नहीं दिए गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तो कोविड का बड़ा इशू था। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी जाहिर है एमएनएस एमपीएस के फंड उन्होंने अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं दिए एमपीएस को, तो यकीनन जैसे उनको, क्योंकि हमारे जो फंड थे, जो तरक्याती फंड थे, वो वफाक ने हमें नहीं दिए, सिर्फ नहीं दिए। तो ये कोविड तो फिर वफाक के लिए भी चल रहा है ना शमीम साहब, ये कोविड जो प्रोसेस है ये चल रहा है अभी इस वक्त, ये वफाक के लिए भी चल रहा है, सिर्फ सिंध हुकूमत के लिए तो नहीं है? नहीं, आपने देखा कि सिंध में सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, सबसे ज्यादा केसेस हुए हैं आपने सिंध में देखा। और हमने पहले जब फर्स्ट कोविड की आई थी, तो आपने देखा कि सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बनाया था, जिसका इन्होंने मजाक उड़ाया, जिन्होंने इनको लाइट दे लिया, इन्होंने कहा कोई ऐसा इश्यू नहीं है। फिर आखिर आपने देखा कि तमाम सूबों ने लॉकडाउन किया और सिंध गवर्नमेंट, चले बहुत अच्छे फैसले करे कोविड की सूरत हाल के अंदर सिंध हुकूमत ने, हम इसको भी अप्रिशिएट करते हैं। और तकरीबन अब खान साहब भी इस बात को मानते हैं कि जो सिंध हुकूमत ने फैसले करे थे वो भी कुछ बेहतर ही थे। मैं एक तरफ ये बात थी कि खान साहब ने दौरा किया, और दूसरी जानब ये चीज़ थी कि वज़ीर आला सिंध साहब को दावत नहीं दी गई। क्या हम समझ सकते हैं कि जो वक्त रह गया है वफाकी हुकूमत का, उसके अंदर रहते हुए वो अपने मंसूबे पूरे कर पाएगी, और सिंध हुकूमत उसमें कोई तआवुन कर पाएगी कराची के अंदर जो मंसूबे इस वक्त मौजूद हैं? नहीं, अब तक तो 3 साल हुए, इन्होंने अब तक आवाम को क्या दिया है? मुझे, मैं आपसे मालूम बताना चाहती हूँ कि इन्होंने अब 3 साल में आवाम को क्या दिया है, मुझे बताएं। अच्छा, ऐसी विफाक भी सवाल करती है कि 13 साल के अंदर सिंध हुकूमत ने सिंध को क्या दिया है? पानी सिंध को नहीं दे रहे हैं, हमारी कल्चर जो मुतासर हो रही है, हम जो टाइम पर एक हम फसल देते हैं, फसल उगाते हैं, वो टाइम पर हमारी फसल नहीं उगा सकते। पानी को जो पानी 1991 अकार्ड के तहत सिंध को पानी देना चाहिए था, वो सिंध का पानी नहीं दिया जा रहा है। आप बताएं, तो कराची वालों को भी उनका हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा है। K4 मंसूबा जो अभी तक पड़ा है, 13 साल होगा शायद उसको, अभी भी वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। और अब ग्रीन लाइन मंसूबा चल रहा है, वो भी अभी तक कम्प्लीट नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें कहीं कोई बेहतरी अभी तक सुधार दिखाई नहीं दी है, तो सिंध हुकूमत भी तो अपना तक काम नहीं कर पाई है। आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने NIVCD से जो फ्री ऑफ कास्ट इलाज होता है, जब बाईपास ऑपरेशन होते हैं, आप गंबर का देखें, जहां से पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, जो हेपेटाइटिस लिवर ट्रांसप्लांट का इलाज किया जाता है। लेकिन शमीम साहब, सिर्फ हॉस्पिटल या सेहत का शोबा ही एक मसला नहीं है, बहुत बड़े ऐसे बहुत सारे शोबे हैं, सिर्फ हॉस्पिटल के शोबे की बात नहीं हो रही यहाँ पर। मैं आपको रोड से, मैं कितने पुल में आपको कराची के बताऊं, बिहारी एक्सप्रेस वे आप देखें, आप ये देखें जो सारा फैसल की जो ब्रिज बनी है नीचे अंडर बाईपास, उसको आप देखें। लेकिन शमी साहब, अभी उसका कुछ हिस्सा कंप्लीट हुआ है, अभी उसका कुछ हिस्सा कंप्लीट हुआ है, अभी रह गया है वो भी एक छोटा सा हिस्सा कंप्लीट हुआ है। जब वफाक हमारे डेवलपमेंट फंड सिंध का हिस्सा नहीं देंगे, तो यकीनन जो तरक्याती काम है उसमें तो कमी आएगी। चलें, जब तक अगर फंड नहीं मिलेंगे तो काम इसी तरह रुका रहेगा, फंड्स के ऊपर रहेगा। शमी मारा साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सिंध को अगर विफाक फंड नहीं देगा, एमएनएस के फंड नहीं देगा, तो जब तक जो सिंध के अंदर या कराची के अंदर मंसूबे हैं वो झूके तू रहेंगे, उसमें कोई बेहतरी नहीं हो पाएगी। इस तरह से शायद पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत चला रही है, शायद 13 साल से जो अवाम सिलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, क्या वो वाकई काम करके दे रही है? और 3 साल के अंदर विफाक ने अपना कितना काम किया, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का दौरा कराची बड़ा मुख्तसर रहा, जिसमें उन्होंने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से बात करी, और दीगर जो मसले मसाइल है कराची के, उस पर भी गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध मौजूद थे, और इसके साथ साथ दीगर उनके वज़रा और रहनुमा भी मौजूद रहे। क्या वाकई कराची की बेहतरी के लिए खान साहब ने दौरा कराची करा, या कोई पॉलिटिकल इशू या पॉलिटिकल स्टंट था उनका? क्योंकि कराची का दौरा उन्होंने काफ़ी अरसे से नहीं किया, उसके साथ साथ वो पंजाब, लाहौर और दीगर सूबों के दौरे कर रहे थे। और दूसरी जानब हली माद शेख साहब ने इस बात का इजहार किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दिल कराची वालों के दिल के साथ ही धड़कता है, तो
उनका खान साहब का दिल इतनी देर से क्यों धड़का, कराची के दौरे का ख्याल इतनी देर से क्यों आया, और इस दफा अगर वो कराची के दौरे पर आए तो उन्होंने कोई पैकेज का ऐलान क्यों नहीं करा, किसी मंसूबे का ऐलान क्यों नहीं करा, या किसी मंसूबे के मुताबिक उन्होंने बात क्यों नहीं करी? सिर्फ इतनी बात थी कि जो पुराने मंसूबे चल रहे हैं उनको पूरा किया जाए, ग्रीन लाइन मंसूबे को पूरा किया जाए, इसके साथ साथ K4 मंसूबे को दोबारा से शुरू करके उसको पूरा किया जाए। क्या वाकई जो खान साहब का टर्न रह गया है, टर्न ओवर रह गया है, जो उनका वक्त रह गया है हुकूमत के अंदर, क्या वो उस हुकूमत के अंदर रहते हुए K4 मंसूबा और इसके साथ साथ ग्रीन लाइन मंसूबा और पूरे पाकिस्तान में जितने मंसूबे चल रहे हैं, क्या वो किसी हद तक उसको मुकम्मल कर पाएंगे? और कराची वाले जो तकरीबन कराची जो है पूरे पाकिस्तान को चलाता है, पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा खासा टैक्स जमा करके देता है, क्या उस कराची के लिए खान साहब कोई बेहतरी करते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि हमने देखा है बड़े बड़े ऐलानात माजी में भी देखे, 162 अरब का, 1100 अरब का, क्या उनमें से कोई हिस्सा, कुछ हिस्सा कराची वालों को दिया गया या उसमें से कुछ हिस्सा कराची पे लगाया गया? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि सिंध हुकूमत और इसके साथ साथ उनकी अपनी इत्तेहादी MQM पाकिस्तान भी ये सवाल उठाती है कि आया जो पाकिस्तान में कराची का हक है, जो कराची का बजट के अंदर हक है, जो फंड्स के अंदर हक है, जो ऐलानात किए जाते हैं, क्या वो अभी तक पूरे नहीं दिए गए? किस तरह से दिए जाएंगे या किस फेज के अंदर इसको अवाम तक डिलीवर किया जा सकेगा? MNA MPs को जो फंड दिए जा रहे हैं, MPs को सिंध हुकूमत और MNS को वफाकी हुकूमत, क्या वो फंड्स पूरी तरह से दे पा रही है, और वो MNS क्या कराची के लिए पूरी तरह से फंड इस्तेमाल कर पा रहे हैं? ये तो शायद कराची की सूरत हाल देख के वाज तौर पर सामने आ जाता है। अब आना देखना यह है कि आने वाले वक्त में वफाकी हुकूमत, इनका अपना जितना भी टाइम रह गया है 1.5-2 साल, उसके अंदर कुछ बेहतरी कर सकते हैं या नहीं, या कुछ कर पाते हैं, या अपोजिशन उनको कुछ करने देती है एज अ PDM का प्लेटफॉर्म, वो शायद अपोजिशन दोबारा स्टार्ट करने वाली है। अब देखना यह है कि हुकूमत के लिए मजीद क्या परेशानियां खड़ी होंगी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।